जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन क्या होता है, किडनी स्टोन को कैसे रिमूव करवाया जाता है और किडनी स्टोन कैसे बनता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। किडनी स्टोन की डेफिनेशन है स्टोनी मटेरियल इन किडनी, मतलब कि स्टोनी मटेरियल इन किडनी, किडनी के अंदर अगर कोई स्टोनी मटेरियल है तो उस स्टोनी मटेरियल को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड किडनी स्टोन। बेसिकली जो किडनी स्टोन है ये हमारी बॉडी के अंदर कॉज करता है यूरन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि यूरन में ऑब्स्ट्रक्शन आना, यूरन में रुकावट आना। तो जब यूरन में रुकावट आती है उसकी सबसे बड़ी रीजन देखी जाए तो वो किडनी के अंदर स्टोन का बनना होता है। इसी के साथ स्टोन का बनने के साथ साथ यूरन के ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ जो यूरन कलर है वो रेडिश हो जाता है। तो जो यूरन है वो आपको रेडिश फॉर्म में नजर आता है अगर किडनी में स्टोन बन जाए। इसी के साथ साथ जो यूरिन का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, हमें यूरिन भी कम आता है। तो जो यूरिन वॉल्यूम है, यूरिन वॉल्यूम वो भी डिक्रीज हो जाता है, यूरिन का कलर रेडिश हो जाता है और यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आना ये कोज है अगर हमारी किडनी में क्या बन जाए, किडनी स्टोन बन जाए। अब बेसिकली जो स्टोन है इसकी हमारे पास काफी ज्यादा टाइप्स है, मगर इसकी जो टाइप्स हम बताते हैं वो ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर। तो हम सारी की सारी टाइप बताएंगे मगर उसकी केमिकल नेचर के लिहाज से, उसकी कंपोजिशन के लिहाज से हम स्टोन की टाइप्स बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास टाइप के लिहाज से फॉर एग्जांपल एक होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन जो कि किडनी के अंदर बनता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन। इसी तरह इंसान की किडनी के अंदर नजर आता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, ये भी स्टोन मौजूद होता है, ये भी इंसानों की किडनी में बनता है। इसी तरह यूरिक एसिड का स्टोन बनता है, यूरिक एसिड का स्टोन बनता है। तो इसका मतलब स्टोन की काफी ज्यादा टाइप्स हैं और वो टाइप्स केमिकल नेचर की बुनियाद के ऊपर हैं। कुछ स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के भी बन जाते हैं और यूरिक एसिड के भी बन जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट ज्यादातर इंसान में जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट के है। तो ज्यादातर 70% जो स्टोन देखा जाता है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट है। उसके बाद जो आपको 15% देखा जाता है वो फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट का है। और जो 10% आपको स्टोन नजर आता है वो आपको नजर आता है यूरिक एसिड का। बेसिकली कैल्शियम ऑक्सैलेट उस वक्त बनता है जब एक डिजीज होती है और उस डिजीज का नाम है हाइपर ऑक्सैलेरिया। हाइपर ऑक्सैलेरिया के वक्त, हाइपर ऑक्सैलेरिया के वक्त अगर हमारे जिस्म के अंदर स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट है। फॉस्फेट वाला, कैल्शियम फॉस्फेट वाला उस वक्त होता है जब एक डिजीज हो जाती है और उसका नाम है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया के वक्त ये वाला स्टोन बनता है। और यूरिक एसिड उस वक्त बनता है जब हो जाता है हाइपर यूरिसीमिया। तो हाइपर यूरिसीमिया के वक्त हमारी बॉडी में बनने वाला यूरिक एसिड है और फॉस्फेट वाला हाइपरकैल्सीमिया जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट के बढ़ने की वजह से होता है और हाइपर ऑक्सैलेरिया की वजह से होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। ये सारी के सारी जो डिजीजेज हैं ये मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं और इन मेटाबॉलिक डिजीजेज की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बनने वाले डिफरेंट स्टोन्स हैं और वो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि हाइपर ऑक्सैलेरिया कौन सी डिजीज है, एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर इंक्रीज कर जाता है ऑक्सैलेट लेवल इन ब्लड, ऑक्सैलेट लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सैलेट का लेवल ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो ऐसे डिजीज को कहते हैं हाइपर ऑक्सैलेरिया। अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो हम ऐसी डिजीज को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया और इसके बढ़ने से जो स्टोन बनेगा वो कैल्शियम फॉस्फेट होगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाए यूरिक एसिड ब्लड के अंदर तो फिर जो डिजीज होगी वो ये डिजीज होगी। और इन डिजीज से बनने वाले जो स्टोन होते हैं, एक कैल्शियम ऑक्सैलेट जो इस वजह से होता है, एक हाइपर कैल्सीमिया जो इस वजह से होती है और एक हाइपर यूरिसीमिया, इससे बनने वाला स्टोन कौन सा, यूरिक एसिड है। और इनकी मैंने आपको बता दी परसेंटेज। बेसिकली सबसे ज्यादा मैंने बताया कि कौन सा वाला, हाइपर ऑक्सैलेरिया।
आपने ये याद रखना है कि हाइपर ऑक्सिलेरिया ज्यादातर किस वजह से बनता है, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। ये ज्यादातर उस वक्त बनता है जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, मेथी हो गई। इनको खाने से जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, क्योंकि इन ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सलेट। इसके बाद टोमेटोस, जैसे कैचअप बड़े लोग ज्यादा खाते हैं, तो लाजमी याद रखना चाहिए ज्यादा टमाटर खाने से अक्सर स्टोन बन जाता है किडनी के अंदर, वो कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट। और वो आपको पता है वो क्यों बन जाता है, क्योंकि ऑक्सलेट जब हमारे ब्लड में ज्यादा होता है तो डिजीज का नाम बताया मेटाबॉलिक डिजीज, हाइपर ऑक्सलेरिया, और हाइपर ऑक्सलेरिया से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बन जाएगा किसके अंदर, किडनी के अंदर। बेसिकली जो किडनी स्टोन होते हैं ये सोल्ट की प्रेसिपिटेशन होती है, सोल्ट प्रेसिपिटेट होता है। जब सोल्ट प्रेसिपिटेट होता है सोलिड फॉर्म के अंदर आ जाता है तो वो स्टोन की शक्ल ले लेता है। वो सोल्ट ऑक्सलेट भी हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकता है, और यूरिक एसिड। कोई भी सोल्ट जब प्रेसिपिटेट होता है तो वो स्टोनी मटेरियल की फॉर्म में आ जाता है और हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड किडनी स्टोन है। अब आपको एक पॉइंट बताना है जो कि हमारी किताब में ब्लंडर है, गलती है जरा सी, और वो आपको बताने है। हाइपर ऑक्सलेरिया जो कि हमारी किताब में मेंशन है, ऑक्सलेट का ज्यादा होना ब्लड के अंदर ये गलत है। हाइपर ऑक्सलेरिया ब्लड के अंदर ज्यादा होना नहीं होता। ये बेसिकली जो टर्म हम यूज करते हैं हाइपर ऑक्सलेरिया, ये बेसिकली ज्यादा होना ऑक्सलेट का इन यूरिन है। मगर हमारी किताब में लिखा हम याद तो ऐसे करेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए हाइपर ऑक्सलेरिया का मतलब ऑक्सलेट का ज्यादा होना किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ब्लड के अंदर ज्यादा होना क्या कहलाता है, हम उसको कहते हैं हाइपर ऑक्सल ज्यादा होना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम हाइपर ऑक्सलीमिया, हाइपर ऑक्सलीमिया। तो आपको यह बताना, मैंने लाजमी समझा कि हाइपर ऑक्सलीमिया का मतलब है कि ऑक्सलेट का ब्लड के अंदर ज्यादा होना हाइपर ऑक्सलीमिया और यूरिन के अंदर ज्यादा होना हाइपर ऑक्सलेरिया। मगर पंजाब टेक्स्ट बुक ने जैसे कह दिया हम तो वैसे ही मानेंगे, क्योंकि पेपर में नंबर कट जाते हैं। तो आपने ऐसे लिखना हाइपर ऑक्सलेरिया का मतलब ऑक्सलेट का ज्यादा होना ब्लड के अंदर। मगर सही जो टर्म है ना, सही जो आपको पता होना चाहिए, जो कि दूसरी किताबों में मेंशन है और बाकी किताबें जिसमें सही बताया, वो क्या है, हाइपर ऑक्सलीमिया का ज्यादा होना है ब्लड के अंदर और हाइपर ऑक्सलेरिया का मतलब ऑक्सलेट का ज्यादा होना किसके अंदर, यूरिन के अंदर है। तो ये स्टोन को हम निकालते कैसे हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं, उस टेक्निक का नाम है लिथोट्रिप्सी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इस स्टोन को निकालने का जो तरीका कार है स्टोन को बाय रिमूव करने का, वो लिथोट्रिप्सी है। देखे जाए जो लिथोट्रिप्सी है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर नॉन सर्जिकल, सर्जरी के बगैर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन को निकालना बगैर सर्जरी के हम उसको नाम दे देते हैं दे आर कॉल्ड लिथोट्रिप्सी है। बेसिकली जो लिथो है, लिथो लिथो का लफ्जी मतलब है सोलिड और ट्रिप्सी का मतलब है ब्रेक करना, किसी भी ठोस चीज को ब्रेक करना हम उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी है। अब जो लिथोट्रिप्सी है हमारे पास दो तरह की जा रही है, जो कि दो इसके टेक्निक्स है जो कि हम यूज करते हैं, एक SWL एक है PCNL। ये दो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि PSWL का मतलब क्या है, इसका लफ्जी मतलब है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये इसका पूरा नाम है जो मैंने अभी आपको बताया है। ESWL का मतलब ई से बनता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, एस से बनता है शॉक, डब्ल्यू से बनता है वेव और एल से बनता है लिथोट्रिप्सी, और इससे बनता है परक्यूटेनियस, पी से बन गया पर, सी से बन गया क्यूटेनियस, एन से बनता है नेफ्रो लिथोट्रिप्सी। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमारे जो पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है वो है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।
तो हम जिसको डिटेल में देखने वाले हैं आज, उसका नाम है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सिन। बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए, एक है एक्स्ट्रा और एक है नाम है कॉर्पोरियल। अब एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है और कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक्स्ट्रा का लफ्जी मतलब है आउटसाइड, हम एक्स्ट्रा को लफ्जी मतलब लेते हैं आउटसाइड, और कॉर्पोरियल का मतलब होता है बॉडी। किसी भी इंसान के अंदर से किडनी स्टोन को निकालना, बाहर से शॉक देकर हम ऐसी टेक्निक को नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी। मगर कौन सी लिथोट्रिप्सी है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, और इस किडनी के अंदर ये स्टोन बन चुका है, और ये इसकी बॉडी की वॉल है, उस पर्सन की ये बॉडी की वॉल है। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां पे लिथोट्रिप्सी की मशीन रखते हैं, और इस मशीन के अंदर से जो रेडिएशंस हैं, जो वेव्स हैं, वो शॉक बाहर फेंकते हैं, और वो शॉक क्या करती है, इस स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जरों में चेंज कर देती है। और जब जरों में चेंज हो जाती है, तो इस जरों में चेंज होने के बाद ये सारे के सारे जर्रे यूरिन के जरिए से बाहर खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टोन को ब्रेक डाउन करना, और इस तरह से स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना, और इस तरह से इसको यूरिन से बाहर खारिज करना, इस पूरी टेक्निक को नाम देते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जो किसकी टाइप्स है, लिथोट्रिप्सी की। तो सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, इस छोटे छोटे जरों को निकालने के लिए हमने क्या किया, ब्रेक द स्टोन, हमने स्टोन को तोड़ा इंटू स्मॉल पीसेस। अब यहां पे आपको याद होना चाहिए, इसको तोड़ने के लिए मैंने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक को इस्तेमाल किया। वो कौन सी शॉक वेव हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पे एक्स रेज भी कर सकते हैं, और यहां पर आप अल्ट्रासाउंड रेज भी कर सकते हैं। तो इन वेव्स के जरिए से हमने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमने फिर क्या किया, इन जरों को बाय रिमूव कर दिया, देन स्मॉल पीसेस, और ये पीसेस को कैसे रिमूव किया, ये रिमूव किया यूरिन के जरिए से। तो ऐसी टेक्निक जिसके अंदर छोटे छोटे जरों में चेंज किया जाता है स्टोन को, और फिर यूरिन से बाहर खारिज किया जाता है, ऐसी टेक्निक को नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी। और वो लिथोट्रिप्सी मैंने आपको कौन सी बताई है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी आपको मैंने बताई है।